बॉलीवुड में यश चोपड़ा एक ऐसा नाम है जिनके साथ काम करने का ख्वाहिशमंद तकरीबन हर कलाकार रहा। क्या शहंशाह और क्या बादशाह और क्या सुपरस्टार। तो पल रुका ख्वाबों का कारवा और फिर चल दिए। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। हर किसी पर यश का खुमार रहा और हर किसी को संवारने में यश की अहम भूमिका रही। उनका बनाया यशराज बैनर तो आज भी है, लेकिन नहीं है तो यश चोपड़ा। यश चोपड़ा की दास्तान एक ऐसे निर्माता निर्देशक की रही जो रेशमी ख्वाबों को रुपहले पर्दे पर उकेरना जानता था। उनकी फिल्मों को अक्सर लार्जर देन लाइफ करार दिया जाता है। रोमांटिक फिल्मों को पेश करने वाले यश वो जादूगर रहे जिनका जलवा शोमैन राज कपूर के करीब था। सत्ताईस सितंबर 1932 को लाहौर में जन्मे यश अपने माता पिता की 8 संतानों में से सबसे छोटे थे। उनकी पढ़ाई लाहौर में ही हुई। 1945 में इनका परिवार पंजाब के लुधियाना में आकर बस गया। यश चोपड़ा इंजीनियर बनने की ख्वाहिश लेकर बम्बई आए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लिहाजा पढ़ाई के लिए लंदन जाने से पहले ही यश चोपड़ा ने बतौर सहायक निर्देशक अपने करियर की शुरुआत बड़े भाई बी आर चोपड़ा और आई एस जौहर के साथ कर दी, और उसके बाद तो वो सिनेमा के और सिनेमा उनका होकर रह गया। साल 1959 में उन्होंने पहली फिल्म धूल का फूल फिल्म का निर्देशन किया और 1973 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स की नींव रखी और फिर शुरू हुआ उनका कामयाब सफर। लम्हे, दाग जैसी बोल्ड थीम वाली फिल्मों से लेकर डर के उन्माद से भरी दीवानगी के बीच वीर जारा जैसी सब्र और लंबे इंतजार वाली लव स्टोरी को उन्होंने चमकते पर्दे पर बखूबी पेश किया। फिल्मों की शूटिंग के लिए यश चोपड़ा का स्विट्जरलैंड फेवरेट डेस्टिनेशन था। इसी के चलते अक्टूबर 2010 में स्विट्जरलैंड में उन्हें एम्बेसडर ऑफ इंटरलेकिन अवार्ड से भी नवाजा गया था। स्विट्जरलैंड में उनके नाम पर एक सड़क भी है और वहां पर एक ट्रेन भी चलाई गई है। हिंदी सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए साल 2001 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। साल 2012 में डेंगू ने इस महान फिल्म मेकर को हम सब से छीन लिया। यश साहब के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं। एनटीआई पॉकेट टीवी के लिए रचना मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।